नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार, लोकप्रिय हिंदी दैनिक के यूट्यूब चैनल। रानीबाग के सब्जी मार्केट में आग लगने से 40 दुकानें जलकर खाक हो गई है। जैसे ही गुरुवार की सुबह अचानक आग लगी, मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में करीब 40 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, जब पहले जब आग लगी थी सर, इस कोने से आग लगी। हाँ। तो हमने चाहा इस दुकान को बचाने के लिए, तो पुलिस वाले ने खुद हमारे को अंदर आने नहीं दिया, जबकि वहाँ तक होम गार्ड वगैरह जो भी थे, सिविल डिफेंस वाले जो भी थे यहाँ पे, वो हमारे को अंदर घुसने नहीं दिया। कहीं वो हमारे को घुसने देते तो ये हमारा सारा सामान बचा रहता, और उल्टा बोले कि पुलिस वाले साथ दिए। पुलिस वाला एक यहाँ से ईंट भी नहीं उठाया और उल्टा हमारे को धक्का मार के भगा रहे और उल्टा गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, सिविल डिफेंस वाले थे। हाँ जी, कैसे आग लगी? अब ये नहीं पता वहाँ से क्या सॉकेट लगी क्या नहीं लगी। हम अपनी दुकान के अंदर थे, हम वहाँ से आग लगी तो हम सोचे कि अपना सामान बचाएं, तो हमारे को कोई हाथ में नहीं लेने दिया। कितना सामान जल गया? सामान तो हमारा पूरा का पूरा दुकान खत्म है। इसमें से हमने एक बोरी दुकान से सब्जी की थी जी। सब्जी? हाँ जी। किस चीज की आप दुकान लगाते हैं? वेजिटेबल शॉप है जी। हाँ, क्या कैसे लगे बताओ जी? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, दुकान में आग लगी है और उसकी वजह से जो है सारी दुकानें जल गई है। और पुलिस वालों ने और सिविल डिफेंस वालों ने कुछ भी हमारे को बचाव के लिए कुछ भी नहीं करने दिया। हमारे को बिल्कुल सामान निकालने नहीं दिया किसी भी तरीके से, और हमारे को भगा दिया गया और हमारी दुकानों में सारी जो है नुकसान हो गया हमारा। क्या मांग करते हैं? कम से कम 5-5 लाख रुपए मुआवजा चाहिए कम से कम हमारे को। मदद करूंगा। आग लग गई मैडम, यहाँ पे क्या देखा आपने? आग का कारण कुछ नहीं है पता अभी, क्योंकि हालात इतने बिगड़े हुए हैं, अंदर तक संभालने के लिए भी नहीं जाने दिया गया, अंदर पानी डालने के लिए भी नहीं जाने दिया गया। इतनी गलत डायरेक्शन में इन्होंने गाड़ियां खड़ी की, इतनी गलत डायरेक्शन में इन्होंने आग बुझानी शुरू की, ये बात हमारी समझ से बाहर है। हम सपोर्ट के लिए यहाँ पर सिविल के लोग भी, यहाँ पर अपने लोग जिनकी दुकानें थी वो भी सपोर्ट के लिए यहाँ पर जाना चाहते थे, किसी को इन्होंने जाने नहीं दिया। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के दो डिपार्टमेंट यहाँ, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यहाँ थे, एक सिविल डिफेंस और दिल्ली फायर सर्विस, जबकि हमारी निगम पार्षद वंदना जल्दी जी यहाँ मौजूद थी और उन्होंने फायर सर्विस वालों से रिक्वेस्ट किया कि जिस तरफ आग बढ़ रही है आपको गाड़ी उस तरफ लगानी चाहिए। उन्होंने वहां गाड़ी ना लगा करके दूसरी तरफ से पानी फेंकना शुरू करा जिसमें पाइप फटे हुए थे, और दूसरी तरफ सिविल डिफेंस के जितने भी कर्मी थे वो सभी दुकानदारों से झगड़ा फसाद करके उनको दुकानों की आग बुझाने नहीं दे रहे थे, उनको पूरी तरह से रोका गया। मुझे ये इस बात का शक है कि क्या ये आग कहीं कोई सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं, कारण दोनों डिपार्टमेंट्स ने लोगों को आग बुझाने से रोका, सिविल डिफेंस दीवार की तरह आगे खड़ा हो गया, जबकि सब्जी मंडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी है, दुकानदार भाई अपनी सब्जियों को धोने के लिए साफ करने के लिए पानी रखते हैं और बड़े बड़े ड्रम पानी के हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने पानी से आग बुझाने नहीं दी, सभी दुकानदारों से गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और किसी को भी आग बुझाने नहीं दिया। तो इससे यह पूरी आग जो है, ये जो कांड हुआ है, यह पूरा संदिग्ध हो जाता है कि कहीं ये किसी धनपति या किसी के साथ मिलकर, दिल्ली सरकार के नेताओं के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं है। प्रधान जी, अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद गई हूँ फायर ब्रिगेड को कहने के लिए, मैं खुद गई हूँ दौड़ दौड़ के, क्योंकि मैं सामने ही मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस से निकली और मैं गई, मैंने कहा कि भाई साहब ये गाड़ी को वहाँ ले जाओ, इस गाड़ी को, लेकिन कोई उस गाड़ी को वहाँ लेके नहीं गया। उसको ये रहा कि मैं, हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर खड़े होने की, हमें वहाँ जाने की इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब हालात नहीं देखना, लेकिन ये देखना है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी गाड़ी। इस तरफ मैं गया तो उन्होंने कहा मैं आगे से आता हूँ, मेरे पास इतना पाइप नहीं है। अब बताओ, हम लोग गरीब आदमी, इस दुकान के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं कहाँ चला जाऊँ? वो कह रहे मेरे पास पाइप नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं है, कहीं कुछ। और जब मैं अंदर बढ़ा उसको बुझाने के लिए, वो सिविल वर्दी वालों ने सबको बाहर फेंक दिया उठा करके, करंट लग जाएगा, मर जाओगे। अरे हमारे पास तो पानी था ही, हम तो उसे बुझा ही लेते। आग इतनी थी सर, पीछे से यहाँ से किसी ने शरारत तत्व बैठे होता है दुकान के पीछे, इसके पीछे बैठ के वो गलत काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, स्मैक पीते हैं,
वो तीले लगाकर पीछे बैठ के ना सिगरेट पीते रहते हैं, पीछे से वो चिंगारी लगी आके, तो जैसे चिंगारी लगी उस टाइम हवा चल पड़ी, हवा चलते उन्हें पकड़ ली अग्नि, आग पकड़ ली उन्होंने, पहले थोड़ी सी आग लगी थी, थोड़ी सी हवा चलते उन्होंने अग्नि का प्रबंध ले लिया जी, प्रचंड हो गया उसका अग्नि का, उस वजह से ये सारे नुकसान हुआ बिक्री आदमियों का। हाई ग्रेड आई है पौने घंटे बाद, पौने घंटे बाद आई है, जबकि बंद हो जाता सर, पीछे फाइव मिनट आई ठीक है, पौने घंटे लेट भी आई, उसके बाद दो गाड़ी आई है, फिर 15 मिनट में गाड़ी नहीं आई, पानी लीक है, पानी खत्म हो चुका है, पत्रकार जिसको यहाँ से शुरू नहीं थी, यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, जान के वहां से लगाई इन्होंने, यहाँ से लगाई है, हर गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, गरीब आदमी को 5-5 लाख मिलना चाहिए, गरीब आदमी को किसको क्या मांग करते हैं आप लोग, मांग ये है जो जितने गरीब आदमी को नुकसान हुआ है उनको 5-5 लाख रुपया मुआवजे के तौर पे दिया जाए, कि ये अपना कारोबार दोबारा धंधा शुरू कर सकें, बच्चों की रोटी कमा सकें। मेरी ये मांग है दिल्ली सरकार से कि जितने भी दुकानें जली हैं हमारे यहाँ पर, हर एक दुकानदार को 5-5 लाख की इमदाद दी जाए, कि कोरोना काल के अंदर वैसे भी काम नहीं है, अब दुकान नुकसान हो गया, दुकानदार को 5-5 लाख की इमदाद दी जाए, कि कोरोना काल के अंदर वैसे भी काम नहीं है, अब दुकान नुकसान हो गया, अग्नि लग गई, तो ये प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी अगर अग्नि लग गई, तो ये प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी अगर ये उसके बाद जो 10-10% पे जिन्होंने ब्याज पर पैसा उठा के ये काम कर रहे हैं कोरोना काल के अंदर, देखो सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद जो अगर बच्चों के लिए पैसा का आप रोटी कमा के जाता है यहाँ पर यार, और छोटा धंधा है ये तो है नहीं, मोटा कोई धंधा ताजा लाना नहीं, दो 5-4 हज़ार रुपये सामान ला के वो बेच के बच्चों के लिए रोटी जरूर घर ले जाते हैं, ये प्रार्थना ये है जितनी दुकानों आग लगी है 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, दिल्ली सरकार से मांगे भाई साहब। इसमें एक बात और है जसवाल जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप रानी बाग के क्षेत्रों से जुड़े हुए हो और पिछले 15-20 सालों से मैं आपको दे रहा हूँ कि गली गली कूचे कूचे तक आपकी पहुँच है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट था उसका पाइप लीक था, एक मुख्य वजह यह रही कि शुरुआती तौर पर पाइप लीक था, पानी आगे नहीं जा पा रहा था, ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ के ये हमारे शशि जेटली जी और ये जो जिनकी बेचारों की आग लगी हुई थी, इनकी तरफ से एक मैं मार्मिक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग आपके माध्यम से, मैं अब ये सत्येंद्र जैन जी से भी मांग करता हूँ कि जो इनके पास 6 मंत्रालय हैं, जब वो चुनाव जीतते हैं फिर बेंगलुरु रोड चले जाते हैं, यहाँ आग लगे हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके, आपके माध्यम से मैं ये बात बचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका रानी बाग के जनता से और यहाँ की 10-12 विधानसभा से सीधा सीधा जुड़ाव रहता है, नेताओं से भी जुड़ाव रहता है, आप उन तक ये बात जरूर बचाएं कि ऐसे वोट देने का क्या फायदा है ऐसे नेता चुनने का जो 2 घंटे तक अपने बच्चों के बीच में नहीं पहुंचता, विधायक का मतलब होता पिता के रूप में, सरकारी डिपार्टमेंट की फेल हो गई। और मैं आज इस सब्जी मंडी के एक और छोटी सी मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, NDBL के 17 से 18 रुपए की इनको जो 200 यूनिट की केजरीवाल जी की घोषणा है, मेरी उनसे ये मांग है सीधी सीधी कि ये जो सब्जी पटरी वाले लोग हैं इनको जो मीटर की बिजली दी जाती है इंस्टॉलेशन फ्री दी जाए, इनकी 200 यूनिट की बिजली फ्री करी जाए, साथ में मेरी इनसे यह भी मांग है कि जो 5 लाख का मुआवजा भाई साहब ने बताया इसके साथ इन सब्जी वालों के लिए शीघ्र मुआवजा दिया जाए, ऐसे ना हो कि कोई लंबी जांच वांच का बहाना बना के इनको तत्काल कुछ पैसा मिलना चाहिए, ताकि ये आज जैसे इनकी रोजी रोटी खत्म होंगे घर में आज चूल्हे नहीं जलेंगे, कोरोना में ये लोग अपनी जान के ऊपर खेलकर इन्होंने लाखों लोगों को इनकी सुविधाएं पूरी कर रही हैं और इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है कोरोना में और इनके परिवारों ने सहा है। हमारे सब्जी मटर गोभी की दुकान है, हाँ सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा, सबसे पहले मैं ही दुकान पे था और कोई नहीं था, जिस टाइम आग लगी थी मैं यही था, सबसे पहले मैं ही दुकान पे था, सब हमारे को पहले उन्होंने कमीजे पकड़ पकड़ के भगाया उनका कि आग लग जाएगी बिजली जली हुई है, मार रहे थे भगा रहे थे हमारे को कि यहाँ से निकलो, हमने सामान उठा के इधर रखा, इधर भी जल गया सारा, दोनों तरफ दुकानें बिल्कुल राख हो गए। हालत सरकारी डिपार्टमेंट की ये हालत है कि अगर आप आग लगी है तो पानी बुझाने के लिए सही से पाइप भी नहीं है, फटे हुए पाइप लेके आप कैसे सोचते हो कि इतनी भयंकर आग बुझा सकते हो, और सबसे बड़ा DCD ने किसी को अंदर ही नहीं आने दिया, अभी भी हर सारे से सारे सब्जी मंडी वाले पानी लेके बाल्टी से उधर आ रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे थे। सर इसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला हो जाना, आज के दिन पहले ही काम धंधे जो हैं बड़े मंदे पड़े हैं, ऊपर से व्यापारी वर्ग को, एक से छोटे व्यापारी को जो सब्जी और फल का काम करते हैं उनको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई कह रहा शॉर्ट सर्किट से या किसी और कारणवश आग लगी है, मैं तो यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी के जो MLA सत्येंद्र जैन जी हैं, यहाँ से जो काउंसलर हैं निगम पार्षद हैं वंदना जेटली जी, उनको यहाँ पे पूरा मुआवजा देना चाहिए और जिनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए।
है।